हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए मैं ये स्कोर निकाल रही थी। गुड़हल का प्लांट है, काफ़ी पुराना है। इसने खूब सारी फ्लावरिंग की है, लेकिन इसने अपनी फ्लावरिंग बिल्कुल रोक दी और पत्तियां भी इसकी सुखड़ी सुखड़ी सी हो रही हैं। और ये इसमें था, इसमें मैंने काफ़ी दिन पहले इसको निकालने की कोशिश की थी, लेकिन ये जो मटके टाइप का है इसमें से नहीं निकला था। तब गर्मी थी तो मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी कि हो सकता है प्लांट ख़राब ना हो जाए, लेकिन अब मेरे से नहीं रुका गया और मैंने इसको निकाला तो ये निकल आया। तो ये बड़े ही आराम से निकल आया है। और इसकी देखिए रूट में ये रेड मिट्टी है, और लेकिन जड़ कोशिश तो कर रही हैं बढ़ने की, सरवाइव करने की, लेकिन कर नहीं पा रही हैं। ये मिट्टी थोड़ी सी भी पानी की कमी हो जाए तो सख्त हो जाती है। तो अब मैं इसको क्या करूँगी, जितनी ये छूट गई है उतनी ही ठीक है। और आज मैं इसे गमले में नहीं रखूँगी, ये गमला दूँगी मैं इसको, और इस गमले की मिट्टी को थोड़ा फंगीसाइड्स डाल के इसको भी छोड़ दूंगी। और इसको क्या करूंगी मैं, एक दो दिन पानी में रखूंगी, ऐसे इसमें पानी में रखूंगी, क्योंकि मैं अगर इसको ऐसे ही लगा दूंगी तो इसकी मिट्टी भी नहीं हटेगी और इसको दिक्कत भी हो सकती है। एक दो दिन पानी में रखूंगी, या फिर कल शाम को करूंगी, या दो दिन बाद करूँगी। तो मिलती हूँ आपसे दो दिन बाद। देखिए अब बारिश का टाइम है, अच्छी ग्रोथ पकड़ लेगा ये। और मिलती हूँ आपसे जब भी मैं इसको रिपोर्ट करूँगी, इस गमले में शिफ्ट करूँगी, तब आपसे मिलती हूँ। आइए दोस्तों, आप लोगों के साथ लगाते हैं उस प्लांट को, गुड़हल के प्लांट को, जो उस दिन मैंने आपको बताया था। आज पूरे दो दिन हो गए हैं इस वाले गमले में लगाएंगे। बारिश हुई थी कल मिट्टी भीग गई है, लेकिन आज देखिए मौसम एकदम साफ है, ना कोई बादल है ना कुछ है, एकदम साफ मौसम है। और देखिए मैंने यहाँ पे छुपा के रख दिया था इसको, देखिए कैसे निकलेगा। ये है यहाँ पे, देखिए इसको निकालने की कोशिश करती हूँ। इसका पानी बदल दी थी मैं, सुबह पानी दोनों टाइम बदला है। इसकी रूट अच्छे से वॉश हो गई हैं। और देखिए, और इसके पत्तों में भी ग्रोथ अच्छी चालू हो गई है, देखिए एकदम अच्छी वाली चालू हो गई है। और करते हैं अब हम इसको, देखिए इस तरीके से करते हैं इसको। तो इसको ऐसे रख देते हैं, देखिए थोड़ी डैमेज हो गई है, कोई नहीं चल जाएगा, थोड़ा सा अपसम साल्ट लाती हूँ। तो देखिए मैं ये ले आई हूँ अपसम साल्ट, और मिट्टी हमारी एकदम वेल ड्रेंड है। और उस दिन इसमें हमने फंगीसाइड मिला के रख दिया था, तो आज हम इसको कर देंगे। एक चम्मच के बराबर इसमें हम डालेंगे, देखिए। और इसकी सारी इस तरीके से पूरे को अच्छे से इसकी रूट को हम अंदर कर देंगे।
तब हम इसके ऊपर मट्टी से सेट कर देंगे। देखिए थोड़ा सा अब इसमें पानी डालेंगे, तब दिखाती हूँ आपसे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने लगा लिया है, एक खासी सेट नहीं बैठ रहा था तो इसको मैंने दोनों हाथों से लगाया था, तब इसको सेंटर में बिठाया है और फिर भी थोड़ा ये ऐसा है। और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। देखिए इसके थोड़े पत्तियों ने भी ग्रीन कलर अपना छोड़ दिया है। उसमें प्लांटर में जो पहले वाला था उसमें इसको घुटन जैसी हो रही थी, ये बढ़ने की तो कोशिश कर रहा था लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहा था, तो मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया। और अब इसको दो तीन दिन शेड में रखूँगी, बारिश आएगी तो बारिश में जब रखूँगी, नहीं तो शेड में ही रखूँगी। पानी ज़्यादा नहीं देंगे, मिट्टी पहले से गीली है, बस इतना है इसकी इसमें हवा ना जाए इसकी रूट में, तो इसलिए थोड़ा सा दिया है। और इसको मैं यहाँ रखूँगी कॉर्नर में, ये जो कॉर्नर में बिल्कुल ऊपर बेल ने अपनी छाया जैसे कर रखी है और ये धूप से बचा रहेगा और इसको हवा मिलती रहेगी। तो बताना वीडियो कैसा लगा है, अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ इस तरीके से ये कॉर्नर में सेट हो गया। देखिए तो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।